कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा पर शिकंजा कसना और तेज कर दिया है, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार ने पहले ही गांधी परिवार को झटका दिया है। वह मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद जांच एजेंसियों ने भी सोनिया गांधी के दामाद की परेशानियां बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले तो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय वाड्रा को आंख दिखा ही रहे थे, वहीं अब चुनावी नतीजे आने के बाद ये एजेंसियां और सक्रिय हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, इस शर्त के साथ कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और वाड्रा की जमानत पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन के 12 ब्रांसटन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय कई बार लंबी पूछताछ कर चुका है। हाल के दिनों में जब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री करवाई थी, उसके बाद तो ईडी कुछ इस तरह सक्रिय हुई कि हर दूसरे दिन वाड्रा को हाजिर होने का आदेश दे दिया। वहीं अब जांच एजेंसी ने वाड्रा की गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है, तो अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पर क्या आदेश देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।